नमस्कार, 7+ हेडलाइंस में आपका स्वागत। मैं हूं अमिता मेहता और आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रीनगर मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, 1 जवान शहीद। शोपिया में गैर हाजिर 42 मुलाजिम निलंबित, निरीक्षण में ड्यूटी से गायब मिले थे कर्मचारी। श्रीनगर एयरपोर्ट पर टला बड़ा विमान हादसा, इंजन से ईंधन कर रहा था लीक। और उत्तरी कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी, रास्ते बंद, बिजली पानी आपूर्ति व्यवस्था पर पड़ा असर। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में पहली बार फिर से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है, जबकि एनकाउंटर में 1 जवान शहीद हो गया है। राजधानी श्रीनगर के फतेह कदल इलाके में यह मुठभेड़ चल रही है। यहाँ आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया था, जिसके बाद आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। फिलहाल दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, वहीं 1 जवान के शहीद होने की भी खबर है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में दफ्तरों से गैर हाजिर 42 मुलाजिमों को निलंबित कर दिया गया है। एडीसी के औचक निरीक्षण में यह सभी कर्मचारी ड्यूटी से गैर हाजिर पाए गए थे। इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए डीडीसी शोपियां ने इन सभी कर्मचारियों को निलंबित करने का आदेश जारी किया। निलंबित होने वालों में सीपीओ कार्यालय के 8, सीईओ कार्यालय के 2, डीपीओ के 2, डीसी कार्यालय के 8 तथा नागरिक आपूर्ति विभाग डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिस के 19 कर्मचारी शामिल हैं। डीडीसी डॉक्टर आवेश अहमद ने विभिन्न कार्यालयों के औचक निरीक्षण के लिए एडीसी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी की रिपोर्ट को डीडीसी ने गंभीरता से लेते हुए निलंबन की कार्रवाई की। विमान में तकनीकी खराबी के बाद श्रीनगर दिल्ली इंडिगो का विमान मंगलवार को श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान नहीं भर सका। विमान से 180 यात्रियों को जाना था। इससे पहले श्रीनगर एयरपोर्ट में तकनीकी खराबी पकड़ में आई। तकनीकी कर्मचारियों ने जांच में पाया कि इंजन से ईंधन लीक कर रहा है। इस दौरान कुछ यात्री विमान में चढ़ गए थे। खराबी पाए जाने के बाद कंपनी के कर्मचारियों ने इन यात्रियों से उतरने का आग्रह किया। एयरलाइन के अधिकारी ने बताया कि विमान दोपहर 2:30 बजे एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था। इसे वापसी में 3:10 पर जाना था, लेकिन तकनीकी खराबी के बाद विमान के उड़ान न भरने का फैसला लिया गया। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा तथा बांदीपोरा जिले में मंगलवार को भारी बर्फबारी हुई। इसके चलते करना, कुपवाड़ा व बांदीपोरा गुरेज रोड बंद हो गया है। बर्फबारी वाले इलाकों का सड़क संपर्क कट गया है। करना इलाके के साधना टॉप पर लगभग 1 फीट बर्फ पड़ी है। सीमांत जिले कुपवाड़ा के करना इलाके में इसके चलते स्कूल तथा सरकारी दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। बिजली तथा पानी आपूर्ति व्यवस्था पर भी असर पड़ा है। बांदीपोरा जिले के गुरेज व दवार इलाके में भी बर्फबारी हुई है। निकाय चुनावों के बेहतर तरीके से संपन्न होने पर चुनावों से संबंधित सभी अधिकारियों का धन्यवाद करने हेतु बीजेपी पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने चुनावों के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने पर अधिकारियों का तथा वोटरों का धन्यवाद किया। वहीं उन्होंने आगामी पंचायती चुनाव में लोगों से बढ़ चढ़ कर मतदान करने की अपील की। वहीं विधानसभा को भंग किए जाने के प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्यपाल का निर्णय सर्वमान्य होगा। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने भी संबंधित अधिकारियों व वोटरों का धन्यवाद किया। एमएलए हो या मेंबर पार्लियामेंट हो, चुनाव होते हैं सरकार बनाने के लिए, और हर कोई चाहता है कि उसके दौरान में उनकी पार्टी सरकार में आए, वो जनता से किए हुए वादे पूरे करें। और भारतीय जनता पार्टी की तो कोशिश रहती है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करें, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास के एजेंडे को लेकर काम कर रहे हैं। कल ही चौथे चरण का जो इलेक्शन संपन्न हुआ है, उसके बाद हम पूरी तरह से विशेष करके गवर्नर साहब का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सुरक्षा बलों का, वोटर्स का, जिन्होंने इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जिंदा रखने में जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा रोल अदा किया है, उन सबका धन्यवाद करते हैं। चाहे वो पुलिस बल हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, या दूर दराज बैठे हुए एक रियल लोग हो, उन्होंने अपना एक फर्ज निभाया है।
जिसके कारण से ये सब कुछ संभव हो सका। इस के लिए मैं चाहता हूँ कि जो बड़ी देर से जो लोकतंत्र प्रक्रिया पर विराम लगा था, तो आज सभी जम्मू कश्मीर के निवासी बधाई के पात्र हैं कि उनको एक ऐसा नुमाइंदा अपने अपने इलाके में मिलेगा जो कि रोज़मर्रा की समस्याओं को लेकर के एक उनकी जो समस्याएं हल करेगा। नवरात्र पर्व के चलते आज दुर्गाष्टमी के अवसर पर कन्या पूजन किया गया और घरों में लगाई माता की साख को तवी नदी में प्रवाहित किया गया। इसी के मद्देनजर तवी नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए तवी आंदोलन की टीम मुस्तैद नजर आई और साख प्रवाहित करने आए श्रद्धालुओं को प्लास्टिक बैग तथा अन्य वस्तुओं को प्रवाहित नहीं करने की अनुमति नहीं दी। वहीं पत्रकारों के माध्यम से तवी आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने सूर्य पुत्री को प्रदूषित न किए जाने की अपील की। विरासत टीम जो है जो यहाँ पर आरती करती है हर सैटरडे को, लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ, तवी आंदोलन टीम और रेंजर्स एंड रोवर्स यूनिट लॉ स्कूल ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम लोगों को सेंसिटाइज करें कि तवी में आप प्लास्टिक और चुनरी नहीं बिठा लें। हम वो सामान इनसे लेंगे और उसका प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करेंगे और हम अपील करते हैं जम्मू वासियों को भी कि आप ये सामान घर से ही ना लाएं ताकि हमें यहाँ प्रॉब्लम ना हो और आप सिर्फ साफ करवाएं यहाँ पर और तवी को साफ करें। बेसिकली हमारा रोल सिर्फ ये है कि हमें अवेयरनेस लानी है लोगों में कि जो भी हम अपना डिग्रेड मटेरियल यहाँ पे जो भी हम फेंकते हैं वो हमारे नेचर को ही डिग्रेड कर रहा है और हमारे तवी मतलब काफ़ी सेक्रेड मानी जाती है। इसे हम काफ़ी पहले से हम इसे गंदा करते आ रहे हैं और ये है कि उसको अगर हम अभी इनिशिएटिव ले रहे हैं साफ करने का, कुछ अच्छा करने का, तो हमें सबकी मदद चाहिए क्योंकि एक इंसान कोई भी हो वो एक अकेले काम नहीं कर सकता। एक टीम होगी, वो टीम के साथ जब सबका कोऑपरेशन होगा तब ये काम अच्छा होगा। जम्मू संभाग के स्वास्थ्य कर्मचारी फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स के समर्थन में आधे दिन की हड़ताल पर रहे। वहीं इमरजेंसी को छोड़कर कहीं भी काम नहीं हुआ। स्वास्थ्य विभाग के अधीन आने वाले अस्पतालों में ओपीडी सहित कई सेवाएं प्रभावित हुईं। वरिष्ठ स्वास्थ्य कर्मचारी ने पत्रकारों के माध्यम से कहा कि 52 दिन बीत जाने के बाद उन्हें बातचीत का न्योता मिला है और वो बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर अब भी उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 24 अक्टूबर को कश्मीर में जाकर प्रदर्शन किया जाएगा। आधे दिन की 10 बजे से 1 बजे तक दी हुई है। आप देख रहे हैं कि पूरा डायरेक्टरेट ऑफिस कॉम्प्लेक्स जो नीचे आया हुआ है, गांधीनगर हॉस्पिटल, सरवाल हॉस्पिटल, राजीव गांधी अस्पताल और पूरा प्रवेश जो है स्ट्राइक पर है। आज ही अभी टेलीफोन आया था डिविजनल कमिश्नर ऑफिस से कि वो उन्होंने कहा है कि वो हमें बुला रहे हैं कि बातचीत करने के लिए। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ हम तो पहले दिन से बातचीत के लिए तैयार हैं। हम ये समझते हैं कि बातचीत से मसले हल होते हैं, मगर ये गवर्नमेंट है कि 52 दिन हो गए, आज जब स्ट्राइक की कॉल लगी है तो आज इनको होश आई है कि आज इन्होंने बुलाया है। अभी हमारे लीडर्स जो फीमेल की हैं वो जा रही हैं वहाँ पर जो बातचीत होगी। 24 तारीख को हम चलो कश्मीर का प्रोग्राम है, अगर हमारी नेगोशिएशन आज नहीं होती तो 24 तारीख को हम कश्मीर जाएंगे और उसके बाद मीटिंग करके अगर हमें लगातार भी स्ट्राइक की कॉल देनी पड़ी वो देंगे। वहीं गवर्नमेंट अस्पताल सरवाल में भी स्वास्थ्य कर्मचारी फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के समर्थन में आधे दिन की हड़ताल पर रहे और अस्पताल में ओपीडी सहित कई सेवाएं प्रभावित रहीं। अस्पताल के वरिष्ठ टेक्नीशियन जसविंदर सिंह ने पत्रकारों के माध्यम से फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर की समस्याएं जल्द से जल्द हल किए जाने की मांग की। आज ये जो सरवाल हॉस्पिटल में उन जो फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर हमारे जो परमानेंट मुलाजिम हैं यहाँ के जम्मू कश्मीर के, उनको पिछले 8 महीने से लेके एक साल तक की जो सैलरी नहीं मिली है उसके लिए वो आज 50 दिन से ज़्यादा हो गए हैं वो वहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट ने आज तक अपना कोई भी नुमाइंदा उनके साथ बातचीत के लिए तक नहीं भेजा है और मजबूर होकर जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉय फेडरेशन ने आज पूरे जम्मू प्रोविंस में आज हाफ डे जो है पेन डाउन स्ट्राइक जो रखा है। उसी सिलसिले में ये जो सरवाल हॉस्पिटल है इसमें स्ट्राइक है। हमारी ओनली इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं वो चल रही हैं, बाकी पूरा जो हॉस्पिटल जो है जो कामकाज बंद है। इसी तरह हमें पूरी न्यूज़ आई है कि पूरे प्रोविंस में हमारी जो स्ट्राइक है 100% कामयाब है और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये जो आपके परमानेंट मुलाजिम हैं एक साल की इनकी जो तनख्वाह वेतन जो है वो दो और उसका एक परमानेंट सोल्यूशन करो।
दशहरा महोत्सव के मद्देनजर संभाग में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। दशहरा महोत्सव के लिए परेड स्थित मिनी स्टेडियम में रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतलों को स्थापित किया जा रहा है। वहीं दशहरे के त्योहार पर भीड़ उमड़ेगी, इसके लिए सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम किए गए हैं। कल यहाँ पे विजयदशमी का जो पर्व मनाया जाएगा तो उसकी तैयारियों को हम देख रहे हैं। मैं स्वयं यहाँ पे लक्ष्मण बन के आता रहा हूँ। मैं सनातन धर्म नाटक समाज की तरफ से लक्ष्मण का पात्र निभाता रहा हूँ। मैंने 26 साल लक्ष्मण का पात्र निभाया है, तो अब मैं रावण लंकाधीश का पात्र निभाता हूँ। लेकिन जो पुराने बुजुर्गों ने कहा है कि भगवान राम ने भी अपने भाई लक्ष्मण से कहा था कि भाई ये जो रावण की जो मतलब देहांत हो रहा था, तो उसने कहा था कि अगर ज्ञान लेना चाहते हो तो लंकेश के पाँव में जाकर वो उनसे ज्ञान ले लो। तो मैंने भी कहा चलो अब लंकाधीश का पात्र निभाया है तो मेरे से कोई त्रुटि रह गई होगी, तो मैं भी यहाँ पे इसीलिए आया था कि चलो देख के आते हैं कि ये लंकेश के पुतले जो खड़े करते हैं कैसे किए जाते हैं। तो यहाँ मैंने देखा कि सिक्योरिटी के भी यहाँ पे अच्छे इंतज़ाम हो रहे हैं अभी, तो अच्छा है ये मैंने देखा। और यहाँ पे इंतज़ाम जो इस बार मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा कर दिया इन्होंने, सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम अच्छा है। बाकी ये है कि ये तो सदियों से चली आ रही परंपरा है कि बुराई पर अच्छाई की जीत से कहते हैं। लेकिन आज पैंथर्स पार्टी द्वारा प्रेस क्लब परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने प्रशासन पर कानून की धज्जियां उड़ाने के आरोप लगाए। पत्रकारों के माध्यम से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा को इतने लंबे अंतराल तक स्थगित नहीं रखा जा सकता। उन्होंने राष्ट्रपति से विधानसभा को भंग किए जाने का आग्रह किया, साथ ही यह चेतावनी भी दी कि अगर जल्द ही ऐसा नहीं हुआ तो जम्मू से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शनों का दौर शुरू होगा। को सस्पेंड हुए 4 महीने हो चुके हैं, इतने लंबे अंतराल के लिए असेंबली को सस्पेंडेड नहीं रखा जा सकता है। और हिंदुस्तान में कोई भी मिसाल ऐसी नहीं मिलेगी जहां किसी असेंबली को इतने लंबे अंतराल के लिए सस्पेंडेड रखा गया हो। ऐसी परिस्थितियों में जहां कोई भी पार्टी या कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, ये कायदा का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है, नियमों का उल्लंघन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का उल्लंघन है, प्रेसिडेंट्स का उल्लंघन है। हमने गवर्नर महोदय को एक आरटीआई लगाई थी कि ये किस कानून के तहत इतने लंबे अंतराल के लिए असेंबली को सस्पेंडेड एनिमेशन में रखकर विधायकों को तमाम सुविधाएं दी जा रही है। 17 अक्टूबर 1966 को जीजीएम साइंस कॉलेज में शहीद हुए छात्रों की याद में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पैंथर्स पार्टी के संस्थापक प्रोफेसर भीम सिंह ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। पत्रकारों के माध्यम से बातचीत करते हुए प्रोफेसर भीम सिंह ने छात्र शहीदों के बारे में विस्तृत बातचीत की। आज के दिन 17 अक्टूबर 1966 को यहाँ साइंस कॉलेज के ग्राउंड थे, जीडीएम साइंस कॉलेज के ग्राउंड, और यहाँ हजारों स्टूडेंट जो हैं वो इस मैदान में खड़े थे और वो मांग कर रहे थे कि जम्मू में यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, लॉ कॉलेज बनना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनना चाहिए। लॉ कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज की, और उन जम्मू प्रदेश के लोगों की आवाज़ लेके खड़े थे। यहाँ चली गोली, हमारे 3 साथी यहीं शहीद हो गए। और उस वक्त मैंने कहा सरकार को एक गवर्नर रूल भी नहीं था, और ये हमारे जो छात्र हैं। श्री सनातन धर्म नाटक समाज दीवाना मंदिर द्वारा गत दिवस रामलीला में सीता स्वयंवर दृश्य को दर्शाया गया। दर्शकों के अनुरोध पर इस दृश्य को एक बार फिर से मंचित किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना तथा विधायक राजेश गुप्ता मुख्य तौर पर उपस्थित थे। इस मौके पर कलाकारों ने अपने मंझे हुए अभिनय व संवादों से दर्शकों की खासी वाहवाही लूटी। महात्मा भरत जो है वो उस प्रेम से जीत गए हैं कि मेरे भाई बड़े भाई ही राज सिंहासन पे बैठेंगे, लेकिन उसके बाद राम जी ने उस वचन को पूरा करने के लिए भरत को ये कहा कि मुझे 14 वर्ष के वनवास के बाद मैं अपना राज्य आपसे ले लूँगा। सो वेरी गुड लेसन मॉरल। और आज के टाइम में वो जो हम कहते हैं कि किसी वजह से ये जो जितने भी इवल्स हम देख रहे हैं, जितने भी क्राइम हम देख रहे हैं,
अगर नवरात्रास में आप यहाँ आके रामलीला देख लें तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझ आ जाएगा। बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी धार्मिक जितने भी हमारे सीरियल्स हैं, जैसे हमारी रामलीला है या महाभारत हुई है, जितने भी हमारे ये धार्मिक जो भी हमारे हमारे सीरियल्स आते हैं उन्हें देखे, टीवी पे भी देखे, और आके यहाँ पे थिएटर का भी एक अनुभव मिलता है जब स्टेज पे हम मंचन करते हैं ऐसे ऐसे धार्मिक हमारे त्योहारों का, जैसे रामलीला का जब मंचन होता है तो हमारे बच्चे जो अभी नई हमारी यंग जनरेशन है जो अभी अभी ज़्यादा वेस्टर्न की तरफ भाग रही है, ज़्यादा अंग्रेजी की तरफ भाग रही है, तो वो एक सांस्कृतिक माहौल में आके अगर वो देखेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। नवरात्रा पर्व पर शहर में रामलीला मंचन के मद्देनज़र सरस्वती ड्रामेटिक क्लब की ओर से आयोजित रामलीला के तहत विभिन्न दृश्यों का मंचन किया गया, जिसमें रावण, वेदवती आदि के दृश्य प्रमुख थे। इस अवसर पर डिवकॉम जम्मू संजीव वर्मा तथा एमएलसी अशोक खजूरिया मुख्य तौर पर उपस्थित थे। उन्होंने अपने संबोधन में क्लब के कार्यों की प्रशंसा करते हुए क्लब की यथासंभव सहायता करने का आश्वासन दिया। बोली थी और फायदा ज़्यादा मंचन है ये रामलीला के लिखे रामी सौभाग्य मिलेगा बड़े साले बाद सात साल साधन देता हाँ बाद सात साल में छः सात साल के बाद आता मेरा सौभाग्य मिलेगा एक खुशखबरी है सारे वास्ते मेरे साथ मेहनत के कारण मैं लिख रहा है ये समृद्ध चीफ मिनिस्टर हो गए सेक्रेटरी को चाहिए मिशन है आपके आगे का मुबारक मंडी का काउंटे का कैम बने चर्चा होनी उनकी अथक मेहनत के बाद सरकार ने लगभग 70 करोड़ रुपये का राजौरी में चल रही रामलीला में गत दिवस बाली और सुग्रीव युद्ध का मंचन किया गया, साथ ही हनुमान का लंका प्रवेश तथा अशोक वाटिका में माता सीता से संवाद तथा लंका में हनुमान द्वारा लगाई गई आग के दृश्य का मंचन भी किया गया। कलाकारों के अभिनय से दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए और उन्हें नगद इनाम भी दिए गए। हिंदू मुसलमान एकता के साथ ही आगे बढ़ता है, हम बड़ी घनी मेहनत करते हैं, 1.5 से 2 महीने के करीब हमारी पूरी मेहनत होती है, रिहर्सल्स होती हैं, नए नए युवाओं को हम लोग मौका देते हैं ताकि वो भी रामलीला के इस भव्य मंचन के साथ जुड़े, उनको भी कहीं ना कहीं धर्म और संस्कृति के बारे में एहसास हो और वो भी कहीं ना कहीं धर्म के राह पर जो है वो आगे बढ़े। मैं करीब पिछले 8 सालों से श्री राम जी के कैरेक्टर को प्ले करता हूँ, मैं खुद उसमें बहुत आनंदित होता हूँ, मेरा पूरा परिवार मेरा सहयोग करता है, मेरे जो बच्चे हैं वो भी चाहते हैं कि हम आने वाले समय में कहीं ना कहीं इस भव्य आयोजन का हिस्सा बने। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने तथा जनता में ट्रैफिक के नियमों के प्रति जागरूकता लाने के मद्देनजर राजौरी में आज मुहिम चलाई गई। पैसेंजर गाड़ियों में ओवरलोडिंग की समस्या से निपटने के लिए विभाग ने FIR तथा चलान भी काटे। इस अवसर पर SP ट्रैफिक रूरल मुश्ताक चौधरी ने ट्रैफिक पुलिस की इस मुहिम की विस्तृत जानकारी पत्रकारों को दी। ये मुहिम ये लगातार चल रही है, आज जो मेन हमने फोकस किया है ये क्रैश हेलमेट वायलेशन पे है, जिसमें 40 के करीब जो है मोटरसाइकिल सीज किए गए हैं, जो कागजात के बगैर और विदाउट क्रैश हेलमेट जो लोग चल रहे हैं उन पर हमारा आज फोकस है, जो क्रैश हेलमेट वायलेशन कर रहे हैं। उसके अलावा कमर्शियल गाड़ियों में जो पैसेंजर व्हीकल थे जो म्यूजिक सिस्टम लाउड यूज करते हैं वो हमें कंप्लेंट मिली है और उस पर भी काम हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ अब सारा जो म्यूजिक सिस्टम है वो डाला गया और उसको बढ़ा दिया गया और उसके अलावा ओवर लोडिंग और ओवर स्पीडिंग का होता है, क्योंकि और थोड़े टाइम के बाद आप उसको स्कूटी दे देते हैं तो वही रेसिंग जो है वो रेप्लिकेट करता है सड़क पे, जिससे हादसों के शिकार होते हैं। आपके माइनर बच्चे जो हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको गाड़ी ना दें, उनको मोटरसाइकिल ना दें, क्योंकि हादसे जो है वो पूछ कर नहीं आते और सारी उम्र का पछतावा हो सकता है। गड्ढों में तब्दील हुए पुराने शहर, पुरानी मंडी, राजतिलक रोड, मोती बाजार आदि का कायाकल्प होने से त्योहारी सीजन में दुकानदारों के चेहरे खिल गए हैं और दुकानदारों ने 7+ चैनल का आभार व्यक्त करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। गौरतलब है कि परेशान दुकानदारों ने 7+ चैनल के माध्यम से अपनी समस्या व्यक्त की थी और जल्द सड़कें ठीक करवाए जाने की मांग की थी।
राजतिलक रोड के प्रेसिडेंट ने 7+ चैनल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब तक 70% कार्य पूर्ण हो गया है और आशा है कि बाकी का कार्य भी जल्द ही पूर्ण होगा। वहीं पुरानी मंडी बाजार एसोसिएशन के प्रधान जंग बहादुर तथा पुरानी मंडी ट्रेडर एसोसिएशन के चेयरमैन राजकुमार ने भी 7+ चैनल का आभार व्यक्त किया। राजू सलूजा, पुरानी मंडी ट्रेडर एसोसिएशन का चेयरमैन, 7+ चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी वजह से जो कंसर्निंग महकमे थे जो सड़क का निर्माण कार्य करते हैं और ब्लैक टॉपिंग करते हैं, उन्होंने बाजार की सारी सड़कें को रातों रात ब्लैक टॉपिंग करी। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आने वाले दिनों में करवा चौथ, दिवाली, कल दशहरा है, जिससे लोगों को असुविधा ना हो, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं सबसे पहले मीडिया को, 7+ वालों को जिन्होंने हमारी ये न्यूज़ चलाई, और आज कह सकता हूँ कि 75% या 70% का काम हो गया है। जो बाकी रह गया को कह रहे हैं कि एक आध दिन में वो भी हो जाएगा, और फिर मैं दोबारा कहूँगा कि आपका धन्यवाद मीडिया वालों का जिन्होंने हमारी ये आवाज़ सुनाई, वरना हमारी सुनाई कहीं नहीं हो रही। मैं जंग बहादुर शर्मा, प्रेजिडेंट पुरानी मंडी बिजनेस में एसोसिएशन बोल रहा हूँ। मैं आज दिल से अपनी तरफ से और पूरे पुरानी मंडी की तरफ से 7+ की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से, जिन्होंने हमारी न्यूज़ लगाई थी, जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे रिगार्डिंग टू ये जो सड़क तोड़ के चले गए थे RNP वाले। आज मैं अपनी तरफ से पूरा इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्हीं के एफर्ट से जो उन्होंने न्यूज़ अपने चैनल में पब्लिश की, उसका असर देखने को आया कि कल ही रात को ये पूरी लुक डाल करके RNP वाले चले गए। करवा चौथ तथा दीपावली के त्यौहार में अधिक उल्लास पैदा करने के उद्देश्य से ड्रेस डिजाइनर और सोशल वर्कर संध्या गुप्ता की ओर से 18 और 19 अक्टूबर को शो को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसके तहत जिन नवयुवतियों का विवाह 6 महीने पहले हुआ है या होना है, उन्हें ब्राइडल लहंगा गिफ्ट किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने अधिक जानकारी पत्रकारों को प्रदान की। कुछ कूपन्स हैं जो विन करेंगे उनके लिए, वो फ्री पार्टी मेकअप्स होंगे फ्रॉम शार्क्स। बाय डिजाइनर संध्या गुप्ता के द्वारा यहाँ पे जम्मू शहर में एक ऐसा इवेंट किया जा रहा है। डिजाइनर संध्या गुप्ता के द्वारा जम्मू शहर में एक ऐसा इवेंट लेके फेस्टिवल इवेंट, मैं चाहती हूँ कि जम्मू के लोगों को कुछ मैं अच्छे से फायदे दे दूँ। अपनी बहुत है तो लोग घरों पे रहते हैं, हस्बैंड घरों पे हैं, बच्चों को छुट्टियाँ पड़ी हुई थी, तो मेरा मकसद था कि मैं एक ऐसा इवेंट लेके आऊं जिसमें बच्चे भी एंजॉय करें, हस्बैंड भी एंजॉय करें। तो जिसमें मेरे साथ जुड़ चुके हैं ये सब लोग, शेल्स जो एक अपने नाम में बहुत ही खूबसूरत भी हैं और इनका एक अच्छा ब्रांड चलता है शेल्स के नाम से, प्रोटोनिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो एक इंटरनेशनल ब्रांड भी है, और ये बच्ची जिसको अगर मैं यूथ को प्रमोट करना चाहती हूँ तो ये बच्ची जो है ये पिटारा नाम से ज्वेलरी ये एग्जीबिशन लगाती है, तो मैंने इसको बोला कि आप मेरे यहाँ आओ एग्जीबिशन लगाओ। साथ में लाइव म्यूजिक दोस्तों चलने वाला है जिसमें परिंदा बैंड जुड़ चुके हैं, सुष्मिता बैनर्जी जिसकी बहुत ही खूबसूरत आवाज है, शाजिक खान जुड़ चुके हैं और बहुत ऐसे बच्चे जिनका टैलेंट मैं उसी दिन शो करने वाली हूँ, और 39 बेकर जिनका फूड कोर्ट लगने वाला है। तो दोस्तों आपके लिए कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा जिसमें आप बहाना बना के आइए कि अरे हम कैसे आएंगे, आप सबको आना पड़ेगा, एंजॉय करना पड़ेगा। और एक बहुत खूबसूरत लहंगा, ब्राइडल लहंगा जो दुल्हन का ख्वाब था, वो ख्वाब मैं पूरा करने जा रही हूँ। लोगों का ख्वाब था मेकअप शेल से करवाना, वो भी मैं पूरा करने जा रही हूँ। 6 महीने पहले जिनकी शादी हो चुकी है और 6 महीने के बाद जिनकी शादी होने वाली है दोस्तों, तो ये लकी कूपन के द्वारा हम 3 जजेस होंगे, शिवानी, मैं संध्या गुप्ता, और 98.3 की लड़की जो है वो सरप्राइज रख रही हूँ मैं आप सबके लिए। तो कल लकी विनर, परसों जो 19 को होगा वो 6 बजे एक लकी विनर हम लोग चुनेंगे जिसको ये ब्राइडल लहंगा दिया जाएगा और शेल्स का मेकअप दिया जाएगा। तो दोस्तों आना ना भूलिएगा।
जम्मू के लिए अलग से कृषि विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के मुद्दे पर वर्ष 1966 में हुए आंदोलन के शहीदों की याद में JJSF द्वारा आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच साइंस कॉलेज ग्राउंड में शाइनी क्लब और JK बैंक एकेडमी के बीच में खेला गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह मुख्य तौर पर उपस्थित थे। उन्होंने JJSF के सराहनीय कदम की प्रशंसा करते हुए पत्रकारों के माध्यम से अपने विचार साझा किए। बात की इंतहा खुशी है कि हमारे जो नौजवान खुशविंदर जी ने JJSF की तरफ से जो हमारे शहीद छात्र मेमोरियल जो शहीद हुए थे उनके लिए मैच करवाया फुटबॉल का, बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए एक तो जागानी है उन शहीदों की जिन्होंने हमारे उस समय की मांगों के लिए स्टेप उठाए थे और जो गोलियों के शिकार हुए उस ज़माने की घटिया गोलियों के, उस ज़माने के घटिया लोगों की गोली से, जिन्होंने उन बच्चों को शहीद किया जिन बच्चों ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात की थी। और ख़ासकर JK बैंक का हम बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कि उन्होंने पूरा इसमें पार्टिसिपेट भी किया उनकी टीम ने, और हाई टॉप पर खेल भी रही है, और साथ में उन्होंने जो इसी फाइनेंशियल हेल्प की है, मैं भी अपने तहे दिल से शुक्रिया करूँ। शरदीय नवरात्रों के मद्देनजर गत दिवस मोहल्ला एसोसिएशन हरि सिंह नगर रिहाड़ी कॉलोनी में मां भगवती के चरणों में जागरण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चौधरी लाल सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। जागरण में मशहूर गायक नवीन पंजाबी ने मां भगवती की भेंटे गाकर माहौल को भक्तिमय कर दिया। नवरात्रों के दिन हमारे लिए क्या पूरी दुनिया के लिए बड़े सुहावने दिन होते हैं, तो हम लोगों को तो बड़ी बेसब्री से नवरात्रों का इंतजार रहता है हमेशा, क्योंकि महामाई के जागरण जहाँ भी जाओ, घर में जाओ भजन चल रहे हैं, जिस गली से निकलो महामाई का जागरण चल रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस माँ भगवती का कि हमारे JNK में इतनी माँ ने, एक माँ की कृपा है। पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स की सदस्यों ने आज उप जिला अस्पताल आरसपुरा में कामकाज ठप रखते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रधान नीलम कुमारी ने किया, वहीं उनके समर्थन में पैरामेडिकल स्टाफ के सदस्यों ने भी धरना दिया। इस मौके पर नीलम कुमारी ने अपनी मांगों को एक बार फिर से पत्रकारों के माध्यम से दोहराया। हमारी सैलरी जो कि 2211 हेड की 18-18, 20-20 महीने बंद रहती है, जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो वो हमारी सैलरी जो है वो इंस्टॉलमेंट में रिलीज की जाती है। हम गवर्नमेंट से बार बार यही मांग कर रहे हैं कि हमारी सैलरी का परमानेंट सोल्यूशन किया जाए, जो कि हमें परमानेंट एम्प्लॉय होते हुए भी हमें हर साल सैलरी के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है। और डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा वर्कलोड जो है फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर पर है, लेकिन सबसे ज्यादा बेइंसाफी जो है फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर के साथ है। हम जिस पोस्ट से अपॉइंटेड होते हैं उसी पोस्ट से 32-34 साल सर्विस करने के बाद उसी पोस्ट से हम रिटायर हो जाती हैं। जितनी भी नेशनल स्कीम्स हैं इनको ग्राउंड लेवल पर चलाने वाली हम हैं, लेकिन हमारी तरफ गवर्नमेंट कोई भी ध्यान नहीं दे रही। मीरा साहब क्षेत्र में रिंग रोड संघर्ष समिति के लोगों ने सड़क निर्माण के लिए चल रहे कार्य को बंद करवाए जाने के साथ ही राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। समिति के नेता ओम प्रकाश खजूरिया ने कहा कि सरकार किसानों को बिना राहत राशि मुहैया करवाए ही सड़क का निर्माण करवा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक राहत राशि नहीं दी जाएगी तब तक सड़क का कार्य चालू नहीं होने दिया जाएगा। जो जमीन जो सरकार किसानों से छीन रही है उसका प्रॉपर मुआवजा दिया जाए, नहीं तो जे सरकार के खिलाफ ये किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। और मैं सभी आज मीडिया के माध्यम से ये सभी किसानों को ये निवेदन करता हूँ कि जहाँ जहाँ भी रिंग रोड का काम शुरू हो रहा है वहाँ विरोध करो, प्रोटेस्ट करो,
काम को रुकवाओ और जहां जहां भी हमारे सदस्य बैठे हुए हैं, यही कहां भी काम शुरू होता है, सभी अपने सदस्यों को टेलीफोनिकली मैसेज करो, इकट्ठे हो जाओ और सरकार विरोधी जो किसान विरोधी जो नीतियां हैं उसका विरोध करो जो सरकार का। और एक और चीज हम चेताना चाहते हैं, जहां किसान की लाशों के ऊपर से जो रिंग रोड बनेगी अगर किसानों को प्रॉपर मुआवजा नहीं दिया गया तो। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रीनगर मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, 1 जवान शहीद। शोपिया में गैर हाजिर 42 मुलाजिम निलंबित, निरीक्षण में ड्यूटी से गायब मिले थे कर्मचारी। श्रीनगर एयरपोर्ट पर टला बड़ा विमान हादसा, इंजन से ईंधन कर रहा था लीक। और उत्तरी कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी, रास्ते बंद, बिजली पानी आपूर्ति व्यवस्था पर पड़ा असर। 7+ हेडलाइंस के आज के संक में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।